हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, जो मेरे को रिक्वेस्ट करी थी वो थी प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, क्लास 11th की एनसीईआरटी में, उसको याद करने की ट्रिक। इसमें मैं आपको समझाऊँगा नहीं, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक बताऊँगा आपको कि कैसे आप याद कर सकते हैं। और उससे पहले एक और रिक्वेस्ट आपको करना चाहूँगा कि मैं डेली कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पोस्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप उसको प्लीज़, वो 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, उनको रोज़ लगा के देखिए, साथ में उनकी आंसर की डाउनलोड करके चेक करिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। रोज़ 5 या 10 क्वेश्चन भी आप प्रीवियस ईयर लगाते चलेंगे साथ के साथ, तो 3-4 महीने में आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बायो के भी, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। अगर आपके पास टाइम हो 5 मिनट का, तो प्लीज़ उसको सॉल्व करके देखेंगे। आइए पहले ये ट्रिक देखते हैं, प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, कि कैसे ट्रिक है। पहले देखते हैं हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है। मोस्टली जो हमारे एल्गी होती है प्लांट किंगडम में, एल्गी में मोस्टली हमारी हैप्लॉन्टिक होती है, पर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो होंगे जिसमें डिप्लॉन्टिक होती होगी या हैप्लो डिप्लॉन्टिक, वो अलग अलग दे रखे हैं। तो पहले जो हमारे 3 एग्जाम्पल्स हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स के जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उसमें पहला है मोस्टली एल्गी होती है, दूसरा है वॉलवॉक्स, स्पायरोगेरा और क्लमाइडोमोनास। ये 3 दे रखी है हमारे। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? हेलो वो स्पायरो क्ले, हेलो है एक तो आपका, हेलो वो स्पायरो एंड क्ले। इससे आपको याद रखना है कि हेलो से होगा हैप्लॉन्टिक हो जाएगा, वो से वॉलवॉक्स, स्पायरो से स्पायरोगायरा और क्ले से क्लमाइडोमोनास। आपको कैसे भी स्टोरी बना के याद रखना है कि वो देखो स्पायरो क्ले, कोई कंपनी है क्ले की जिसका नाम स्पायरो है, वो देखो स्पायरो क्ले, वो स्पायरो क्ले, हेलो वो स्पायरो क्ले से हैप्लॉन्टिक, वो से वॉलवॉक्स, स्पायरो से स्पायरोगायरा और क्ले से क्लमाइडोमोनास। इसके 3 ही 3 एग्जाम्पल है तीनों में, पर काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। तो इसको याद करने एक छोटी सी ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आपका काफ़ी हेल्प होगी। अगला है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकल्स किस किस में होती है हमारी? तो होती है फ्यूकस में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। इन तीनों में होती है हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेजर जो होता है वो डिप्लॉइड पार्ट होता है, स्पोरोफाइट पार्ट होता है इनकी लाइफ साइकिल में। तो इसका क्या होगा? दी फिकर नॉट जिम आना, दी से डिप्लॉन्टिक आप किसी को बोल रहे हैं अपनी दीदी को कि फिकर मत करो कल से जिम आना स्ट्रांग बनने के लिए। तो दी फिकर से फ्यूकस हो जाएगा, नॉट से कोई नहीं है, आपको इसको याद नहीं रखना है। नॉट जिम से जिम्नोस्पर्म्स और आना से एंजियोस्पर्म्स। तो इस तरीके से आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स के तीनों याद रहेंगे, दी फिकर नॉट जिम आना। इससे पहले वाला क्या था? वो स्पायरो क्ले, वॉलवॉक्स, स्पायरोगेरा, क्लमाइडोमोनास। ये 3 हो गए डिप्लॉन्टिक के हो गए। नेक्स्ट हमारे हैप्लो डिप्लॉन्टिक में हमारे मेन एनसीईआरटी में 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसको याद करने के लिए थोड़ी बड़ी लाइन है, पर बहुत ही आसान लाइन बनाई है मैंने ताकि आपको इजीली याद हो जाए। हड्डी ब्रो, हड्डी नाम है, हड्डी से एच ए से आप हैप्लॉन्टिक याद रख सकते हैं, डी आई से डिप्लॉन्टिक। हड्डी ब्रो तेरा कल एक पॉली से फ़ोन आया, कोई पॉलीटेक्निक कॉलेज है या किसी से भी, किसी का भाई है, जैसे कोई मेरा भाई है उसका नाम हड्डी है। हड्डी ब्रो तेरा कल एक पॉली से फ़ोन आया। ब्रो से हो जाएगा ब्रायोफाइट, ठीक है दोस्तों। तेरा से टेरिडोफाइट याद रखना है, पी से स्टार्ट होता है पर पी साइलेंट, हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। तो तेरा से आपको टेरिडोफाइट्स याद रखना है। कल से आपको कैल्प्स याद रखना है, ये कैल्प है, इसको आपको इस वाले कल से याद रखना है कैल्प्स। ई सी एक से एक्टोकार्पस को याद रखना है, पॉलीसीफोन, ये तो पूरा ही वर्ड मैंने कवर कर लिया इसमें, पॉली सिफोनिया। तो इस तरीके से आपको ये 5 एग्जांपल्स हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ के जो एनसीईआरटी में मेन दे रखे हैं याद हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर से आएंगे इस टॉपिक के अंदर, इससे बाहर एग्जांपल्स बहुत कम ही आ सकते हैं। तो आई होप करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई हो और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको आसानी से याद हो गए। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।